नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज का सेशन हमने स्पेशल सेशन रखा था आप सभी लोगों के लिए जो एमपी सब इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहां पे जीके जीएस और एमपी जीके से आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इनकी श्रृंखला हमने यहाँ पर रखी है और इसका मैराथन होगा अपना 2 घंटे का। तो ये क्लास स्टार्ट करें उसके पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए। चलो खैर, स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों के पास में अगर परीक्षा एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसे आप अपडेट करेंगे तो परीक्षा प्रो के साथ जुड़ेंगे। अब परीक्षा प्रो के साथ जुड़ने में होगा क्या, एमपी पटवारी की जो वीकली टेस्ट सीरीज है वो आपको 11 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। प्रत्येक सप्ताह एक पटवारी की एमपी पटवारी की टेस्ट सीरीज होती है, वीकली टेस्ट सीरीज, ठीक है। फिर इसके अलावा एमपी पीएससी प्रीलिम्स की 25 सितंबर से ये भी आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है परीक्षा प्रो वाले बच्चों के लिए। और करंट अफेयर का डेली डोज 6 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है परीक्षा प्रो के लिए। और मैथ्स के अंधे के सवाल जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, नए प्रकार के सवाल, ये 12 सितंबर से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहां पर मिलने वाले हैं, परीक्षा प्रो पे। तो अभी जुड़िए परीक्षा प्रो से, उसके लिए अपने एप्लीकेशन को अपडेट करिए। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि कल संडे को यानी 18 सितंबर को जो एमपी पटवारी की वीकली टेस्ट सीरीज चल रही है, वो एमपी पटवारी की वीकली टेस्ट सीरीज आपकी फ्री मेगा मॉक टेस्ट होगा। कैसा होगा, फ्री मेगा मॉक टेस्ट होगा। और इस फ्री मेगा मॉक टेस्ट में प्रत्येक बच्चा आके जो आपका परीक्षा का एप्लीकेशन है वहां पे जाके एमपी पटवारी की मेगा मॉक टेस्ट सीरीज दे सकता है बिल्कुल फ्री। कल सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक के लिए ये आपका मेगा मॉक टेस्ट ओपन किया जाएगा और यहाँ पे जितने भी बच्चे टेस्ट देंगे उन सभी बच्चों को टेस्ट के मार्क्स देखते हुए लास्ट में जो टॉप 10 बच्चे होंगे, लास्ट में जो टॉप 10 बच्चे होंगे स्कोर में, उन सभी टॉप 10 बच्चों को परीक्षा प्रो 1 साल के लिए फ्री दिया जाएगा। 1 साल के लिए परीक्षा प्रो फ्री दिया जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कल 18 सितंबर को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक के लिए एमपी पटवारी का मेगा मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री रहेगा, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग फ्री मेगा मॉक टेस्ट दीजिए एमपी पटवारी का और जो टॉप 10 बच्चे आएंगे उन्हें परीक्षा प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, टॉप 10 बच्चों को 1 वर्ष के लिए। इस बात को ध्यान रखना कल 18 सितंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, इनमें से कौन सा है जो सबसे पुरानी डायनेस्टी है, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। अब देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, मौर्य। अब मौर्य की हम बात करें, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये सब है ना, तो इनकी बात हो रही है बृहद्रथ वंश के बाद में, स्टार्टिंग में ही मौर्य वंश आ जाता है। फिर इसके बाद में गुप्त वंश है, गुप्ता डायनेस्टी है, फिर कुषाण डायनेस्टी है ना, फिर आपका कण्व वंश है। तो कुषाण डायनेस्टी वगैरह की अगर हम बात कर दें तो कुषाण डायनेस्टी वगैरह कहां पे आ जाएगी, कुजुल कडफिसस वगैरह, है ना, मतलब अगर हम देखें तो 78 ईस्वी के आसपास में। मौर्य की बात करेंगे तो ये बिफोर क्राइस्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। गुप्ता की बात करेंगे ये ईस्वी में आएगा, फिर कण्व वंश आपका बाद का है। तो इस हिसाब से आपको आंसर देना है कौन सा इसमें से सबसे पुराना राजवंश होगा। तो चलें आंसर बताएंगे, सर सब इंजीनियर के लिए जीके कंप्लीट होगा, जीएस जीके और एमपी जीके के कंप्लीटेड क्वेश्चंस यहां पे आपके चला रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट जीएस अभी ऐसा कोई सेशन नहीं चलाया जा रहा है, ये क्वेश्चन सेशन अभी चलाया जा रहा है मैराथन का, ठीक है ना। तो यहां पे आपका मौर्य वंश हो जाएगा 322 बीसी के आसपास, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, 322 बीसी के आसपास आप देख सकते हैं मौर्य डायनेस्टी आपकी सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी हो जाएगी, सबसे पुराना राजवंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट, इनमें से अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है। तो बताइए अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है, फटाफट आंसर करेंगे। इनमें से अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है, रामायण के बारे में जानकारी देती है, महाभारत के बारे में जानकारी देती है, या जातक कथाओं के बारे में, या पंचतंत्र की कथाओं के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये आपका अजंता की बात करें तो अजंता सबसे पहले तो आप देखिए है कहां पर,
महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं आपको मिलेंगी या अजंता की पेंटिंग मिलेंगी। 29 चट्टानों को काटकर बौद्ध स्मारक गुफाएं वगैरह हैं यहाँ पे। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं और 29 चट्टानों को काटकर ये आपके अजंता की पेंटिंग बनाई गई है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। और औरंगाबाद जिले के निकट है ये आपका। इस इंपॉर्टेंट ये होगा, आर दिस सेशन इज सफिशियंट फॉर एमपी सब इंजीनियर जी के। देखिए सफिशियंट तो कुछ नहीं होता है, हाँ हम एक्सपेक्टेड मैराथन क्वेश्चंस लेकर आए हैं जीएस जीके और एमपी जीके के, ठीक है। तो चलिए बिट्टू सेन आपका आंसर सही है यहाँ पे। जुनैद बिल्कुल आपका भी उत्तर सही है, ये जातक कथाओं से संबंधित था। अजंता की पेंटिंग्स में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द विजय स्तंभ टॉवर ऑफ विक्ट्री क्या कहा जाता है? टॉवर ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। एट चित्तौर वॉज बिल्ट बाय, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया या विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया, बताइए। विजय स्तंभ जो है किसके द्वारा निर्मित कराया गया? चले आंसर ये भी बन जाएगा आप सभी लोगों से, इजी है, आसान है बिल्कुल, है ना। अब चित्तौड़ की बात है, मतलब ये हम कहां पहुंच जाएंगे? राजस्थान। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक स्तंभ है, एक टॉवर है, ठीक है। इसे किसने बनवाया था जल्दी बताएंगे? लगा लिया आंसर। देखिए 1440 1448 के मध्य में अपनी विजय के उपलक्ष्य में, है ना, अपनी विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा के द्वारा, किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा राजस्थान में इन्होंने क्या किया था? महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर सारंगपुर की लड़ाई में जब विजय प्राप्त करी थी, तो 1440 से 1448 के मध्य में राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ या विजय का टावर के नाम से जो जाना जाता है, इसे बनवाया था। तो चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है सहतारा। सहतारा मत समझिए आप, इसे ऐसा समझो सितार लिखा हुआ है। तो सितार का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सितार या फादर ऑफ सहतारा या फादर ऑफ सितार किसे कहा जाता है? तो ये आपसे बन जाएगा, फटाफट आंसर लगाएंगे इसमें जल्दी से, क्या होगा? हिमांशु पटेल, वेरी गुड। मैसूर, राजकोट, लखनऊ, अब दो ऑप्शन बचते हैं, मैसूर और हैदराबाद। बिल्कुल बिल्कुल, हैदराबाद लगा दिया अपन ने। 1591 की बात है, सन 1591 ईस्वी के आसपास कुतुब वंश के शासक या कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक के द्वारा यहां पर चार मीनार का निर्माण कराया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलते हैं। जैमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम बनाया? तो जैमिनी रॉय ने कला के, मूर्ति कला के क्षेत्र में, संगीत कला के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में या नाटक के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम बनाया था? चलिए जल्दी बताएंगे। मैं गया हूं सर हैदराबाद में, वेरी गुड। जैमिनी रॉय, जल्दी जल्दी, बहुत फेमस है इनका नाम, है ना, जैमिनी रॉय का। लगा लिया आंसर, ये भी बन जाएगा आपका। कोलकाता से है, पद्मभूषण से भी आप सम्मानित हैं, है ना, और आप पेंटिंग के क्षेत्र में आपका विख्यात नाम है। कहां से हैं आप? जैमिनी रॉय तो कोलकाता से हैं, है ना, और पद्मभूषण से भी सम्मानित हैं, साथ ही साथ पेंटिंग के क्षेत्र में आपका विशेष उपलब्धि रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट हुआ। सेवन नंबर क्वेश्चन पे, कौन रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है, कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्र, कपल कुंडल, कोड डांसर, चित्रांगदा। चित्रांगदा है, चित्रा है, अब बची कपल कुंडल और कोड डांसर, तो इनमें से कौन सी कृति या इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? तो कौन सी कृति, कौन सा कार्य रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं? तो चित्रांगदा है, चित्र है, बिल्कुल है। अब बचा कपल कुंडल और कोड डांसर, तो देखिए और बताइए कि कौन सा नहीं है? आशुपाल, शीतल, पंडित, विपिन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहां देखिए कपल कुंडल क्या है? कपल कुंडल रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है, कलाकृति नहीं है। कपल कुंडल इनकी कलाकृति नहीं है, ध्यान रखिएगा, कपल कुंडल जो कलाकृति है इनकी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 8th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसकी हत्या नहीं की गई थी, बाकी सबकी हत्या की गई थी। महात्मा गांधी, लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से किसकी हत्या नहीं की गई थी, चले बताएं जल्दी 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 जल्दी। देखो, लियाकत अली खां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है ना, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां थे, ठीक है। फिर इसके बाद में मोहम्मद अली जिन्ना है आपके पास में, और कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन है। तो चलिए बताइएगा जरा आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी की भी हत्या की गई थी, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को भी मारा गया था। अब बताइए आंसर क्या बनाएंगे, लियाकत अली खां या मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना या लियाकत अली खां। प्रदीप भाई क्या बात है यार, मतलब शानदार आंसर, बहुत बढ़िया शानदार। देखिए, महात्मा गांधी की भी हत्या की गई थी, लियाकत अली खां जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे इनकी भी हत्या की गई थी, और लॉर्ड माउंटबेटन की भी हत्या की गई थी। अब बच्चे कौन आपके पास में यहाँ, तो मोहम्मद अली जिन्ना एकमात्र विकल्प बचते हैं और यही आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को इस आधार पर मान्यता देता है ना, आपने पढ़ा है 28-29, आर्टिकल 28-29 पढ़ा होगा, अल्पसंख्यक के बारे में बात करता है। तो अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, वह किस आधार पर मान्यता देता है। क्या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक बताता है कि ऐसा धर्म है तो वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, या जाति के आधार पर बताएगा कि नहीं इस जाति का है तो अल्पसंख्यक है, या कि फिर रंग के आधार पर बताएगा कि नहीं ये रंग का है और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक हो जाएगा, या कि फिर कुल आबादी में समूह की आबादी का परसेंटेज देखते हुए उन्हें माइनॉरिटीज बताता है। बताइए, पहले हत्या का ऑप्शन होता था, काश अब भी हत्या का ऑप्शन होता। कहां खुन्नस निकालना चाहते हो, कहां खुन्नस निकालना चाहते हो। चलो देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या का समूह की आबादी में प्रतिशत कितना है, उसी के आधार पर अपने यहाँ पे अल्पसंख्यक डिसाइड किया जाता है कि ये अल्पसंख्यक माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। 10वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, कौन सा राज्य का तत्व नहीं है। देखिए, 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं स्टेट के, कोई भी स्टेट अगर स्टेट होता है तो स्टेट बनाने के लिए उसमें 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होगा आपका, यहाँ में पॉपुलेशन है, ठीक है। अब पॉपुलेशन रहेगी तो कहां पर रहेगी, किसी लैंड में रहेगी, तो लैंड होगा तो लैंड में रहेगी पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन रहेगी तो पॉपुलेशन को किस हिसाब से चलाया जाएगा, तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलाया जाएगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, और साथ ही साथ में उसके पास में सोवरेनिटी होनी चाहिए, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में न्याय निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो किसी भी राज्य के 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं, सेना उसका बेसिक एलिमेंट नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं यहां पर सेना, क्योंकि सेना बेसिक एलिमेंट्स में नहीं इंक्लूड होता, ठीक है। नॉन टेक्निकल एमपी सब इंजीनियर का वीडियो कोर्स आपको हमारे परीक्षा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करना और वहां जाके वीडियो कोर्स देखना है। अगर अच्छा लगे तो आप उसे ले सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी परीक्षा अब आपको ऑफलाइन भी मिलेगी, इंदौर शहर में वेदा बिजनेस पार्क में फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 135 पे अब आपको परीक्षा ऑफलाइन भी मिलेगी। तो आपको अगर परीक्षा से ऑफलाइन पढ़ना है हम लोगों से, तो आपको यहाँ पर वेदा बिजनेस पार्क पे इंदौर शहर में अब हम ऑफलाइन भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द, देखिए क्या है, संविधान में महाभियोग का प्रावधान नहीं है। बताइएगा, संविधान में महाभियोग शब्द का प्रावधान किसके लिए नहीं है, तो प्रेसिडेंट के लिए महाभियोग शब्द का यूज होता है, ठीक है ना।
प्रेसिडेंट के लिए महाभियोग शब्द का यूज होता है, ठीक है। इसी के अलावा चीफ जस्टिस के लिए आपके महाभियोग या इंपीचमेंट वर्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी हम इंपीचमेंट वर्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। बचा क्या, वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति के लिए कर सकते हैं, राज्यपाल के लिए नहीं कर सकते हैं, किसके लिए, तो इन दोनों के लिए तो कर सकते हैं, ये नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन, तो राज्यपाल और उपाध्यक्ष, या वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष नहीं बोलेंगे इसे, उपराष्ट्रपति बोलेंगे, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति, ये लो, राज्यपाल के लिए नहीं करेंगे। आंसर लगा लिया आप लोगों ने, लगा लिया है ना, चलो ठीक है। देखिए राष्ट्रपति के लिए, बेसिकली राष्ट्रपति के लिए ही होता है ना, राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट लाया जाता है, एक्चुअल मीनिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट, वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या कि फिर आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके लिए भी यूज हो जाता है आजकल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 12वें नंबर प्रश्न में हम बात करते हैं, लोगों की सहमति का अर्थ है कि सहमति, कंसेंट ऑफ द पीपल means consent of कुछ लोग, all people, majority of the people, leader of the people, अगर लोगों की सहमति आपको चाहिए तो कुछ लोगों की सहमति लगती है, या सभी की सहमति लगती है, या मेजोरिटी लोगों की सहमति लगेगी, या लोगों का जो नेता होता है, लीडर होता है, उसका कंसेंट लगता है, किसका कंसेंट लगेगा, चलो बताओ। बिल्कुल 61 में बताते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड, चले आगे, लगाइए जरा इस पे आंसर भाई, क्या होगा फटाफट। कहां सभी लोग, कंसेंट मतलब सभी लोग, कुछ भी यार, मतलब थोड़ा लॉजिक तो लगाओ, क्या सब लोगों की सहमति ला सकते हो, क्या कोई कोई ऐसा बिल होगा जिसमें सब लोग सहमत हो जाएंगे? अरे पार्टी के लोग सहमत नहीं होते, तो दुनिया की बात करते हैं, हर किसी की बात से हर कोई सहमत नहीं होता, हर कोई कॉपरेट करता है जीवन में, समझ रहे हो, चाहे वो भाई बहन हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, या कोई भी हो, ठीक है ना, हर कोई कॉपरेट ही करता है, छात्र शिक्षक हो, सरकार हो, बेरोजगार हो, कोई भी हो, हर कोई केवल क्या करता है, कॉपरेट करता है। सभी लोगों की सहमति हर पॉइंट पर एक जैसी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, और होनी भी नहीं चाहिए, है ना। जबरदस्ती का आंसर लगा लेते हो यार, मेजोरिटी ऑफ द पीपल होता है, हमेशा मेजोरिटी ऑफ द पीपल देखा जाता है, सभी लोगों को कैसे सहमत कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया में देख लो ये फंडा, है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, डिस्पोटिज्म पॉसिबल इन अ निरंकुशता संभव है, बताइए निरंकुशता संभव है, कहां पर कोई निरंकुश हो सकता है, हालांकि ये स्थिति आपको देखने को मिल रही है वर्तमान में, कहां पर मैं नहीं जानता, आप समझदार हैं, ठीक है। चलो, एक पार्टी वाले राज्य में, वन पार्टी स्टेट, टू पार्टी नेशन और स्टेट, मल्टी पार्टी स्टेट, टू एंड मल्टी पार्टी स्टेट, अब ये बताओ घर में वास्तव में चलती किसकी है, सबसे पहले तो ये बताओ, माता की, पिता की, किसकी चलती है? देखो देखने में तो सत्ता पितृ सत्तात्मक है कि पिताजी जो कहेंगे वही होता है, पर आपको नहीं पता कि पिता के भी शब्द किसके शब्द होते हैं, माता के शब्द होते हैं। ऐसे ही जैसे कि देश आपका चलता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कि देश में जो आपका हेड है वो कौन माना जाता है, प्रेसिडेंट, लेकिन एक्चुअल हेड कौन होता है, वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, कि जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे जो चाहेंगे वही होगा। उसी प्रकार से माताजी जो चाहेंगी पिताजी को भी वही करना पड़ता है, उन्हीं का डिसीजन सर्वोपरि होता है, समझ गए। तो अब क्या बात है कि निरंकुशता की अगर बात आ जाए, तो मान लीजिए कि अगर कई सारी पार्टी हो जाएंगी तो डिसीजन लेने में समस्या हो जाएगी, और जो मतलब फिर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जब लोगों का कोई मत होगा मिला जुला कर, तब उस पर काम होगा। लेकिन अगर इकलौता कोई होगा कि दादाजी की चल रही है घर में, तो जो वो कहेंगे वही होगा। उसी प्रकार से वन पार्टी स्टेट मतलब निरंकुश हो जाएगा, अगर कोई एक पार्टी आ जाएगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, निरंकुश, मेरे घर में पापा का चलता है, वो आपको ऐसा लगता है,
ठीक है ना, हमें भी ऐसा लगता है, सबको ऐसा ही लगता है कि घर में पापा का चलता है, पर वास्तव में चलता मम्मा का ही है, ठीक है ना, माता जी का ही चलता है, पिताजी तो बस एक ये समझिए कि सादा जीवन जीना है, एक सुखी जीवन जीना है, तो है ना, पिता को कैसे रहना पड़ा, मतलब बिल्कुल ऐसा कॉन्स्टेंट रहना पड़ता है, जी जैसा आप कहें वही सही, वो अपनी बात कहना भी चाहते होंगे तो बस हाँ प्रणाम कर लेते होंगे कि जी देवी जी जैसा आप कहें वही बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक समझदार इंसान वही है जो किसकी स्त्री की बात को मानकर ही फिर आगे बढ़ता है, नहीं तो घर में विवाद, खाना पीना, बाकी सारी चीजों में आप है ना समझदार है। छोड़िए इस क्वेश्चन को, हम आगे बढ़ते हैं, विवाद की स्थिति उत्पन्न मत कराइए, हो सकता है इसके बाद में विवाद की स्थितियां उत्पन्न और ज्यादा हो जाए सबके बीच में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम, काल मार्क्स आ जाओ। मेरे घर में पापा गवर्नमेंट नौकरी में है तो उनका ही चलता है दबदबा, ठीक है देखते हैं। बात वही है ना कि हकीकत क्या है ना, आपको पता है ना हमें पता है, ठीक है, हकीकत तब पता चलती है जब हम उनकी जगह पे पहुंचते हैं, तब हकीकत का अंदाजा होता है। काल मार्क्स थे, काल मार्क्स क्या थे, जर्मनी हॉलैंड के, फ्रांस के या ब्रिटेन के थे, काल मार्क्स कहां के थे चलिए बताइए। कहते हैं सिर कितना भी ताकतवर हो अगर घर जाते तो सिरनी के सामने दुबक कर ही बैठता है, ठीक है ना, जर्मनी सही है, जैसे राष्ट्रपति नाम मत भक्ति, चलो 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 लगा लो आंसर लगा लो जर्मनी, ठीक है, काल मार्क्स बिल्कुल सही है, आपको पता है काल मार्क्स कहां जर्मनी से थे, है ना। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां प्रश्न क्या कहता है, द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाय, भारत की विदेश नीति के मूल मानदंड किनके द्वारा निर्धारित किए गए थे, जो भारत की विदेश नीति है, हमारी विदेश नीति का जो मूल मापदंड है, शुरुआत में जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे किसने डिसाइड किया था, याद करो जरा किसने डिसाइड किया था, कहा था, इवन इनको तो कहा भी गया था कि ये मीडिएटर है, क्या है ये मीडिएटर है, भारत का दूसरे देशों के साथ में संबंध बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो पंडित जी का, या पंडित जी नहीं होते तो मतलब मीडिएटर का काम इतना आसानी से हो ही नहीं पाता। सोचिए इनके लिए भी कितना टफ टास्क था कि ये अपने यहाँ की सारी चीजों को मीडिएटर के रूप में दूसरे देशों तक ले जाते थे, फिर वहां से अपने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करते थे। तो कहा जाता कई बार तो ऐसा भी कह देते हैं बड़े इतिहासकार कि इनका धड़ पश्चिमी सभ्यता, मतलब जो इनका धड़ है पूर्वी सभ्यता, और जो सिर है वो पश्चिमी सभ्यता की ओर झुका हुआ है, इस प्रकार का व्यक्तित्व है इनका, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति MN वेंकट चलैया, अच्छा देखो MN वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, इसकी समीक्षा करेगा, वो समीक्षा किसकी करना था उसे बताइए, न्यायमूर्ति जस्टिस MN वेंकट चलैया। अब ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तभी बनेगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस अमंग द स्टेट, राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स अमंग रिपेरियन स्टेट, तटवर्ती राज्यों के बीच नदी के पानी का बंटवारा कराने के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की समीक्षा करने के लिए MN वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो बताएं MN, जल्दी जल्दी, मैंने तो आंसर भी बता दिया है, मेरे शब्दों को सुन लो, तो आंसर भी बता दिया मैंने, सन 2000 की बात है, देखिए ये NHRC में भी रहे है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग जो है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं 96 से 98 तक, 96 से लेकर 98 तक अध्यक्ष रहे हैं, कहां पे, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। एक और बात है कि सन 2000 में आपको भारत के संविधान की समीक्षा करने वाले एक आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था, तो ऐसे फैक्ट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और क्यों उड़ाई गई थी, क्या ये सच है, सब इंजीनियर जीके कहां से पढ़े, सब इंजीनियर का जीके, लुसेंट जीके ले लीजिए, सफिशियंट है, लुसेंट जीके आपका सफिशियंट है उसके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, हाँ MP के लिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ, प्रोडक्शन इज एट सोशली आइडियल लेवल अंडर, उत्पादन
सामाजिक रूप से आदर्श स्तर पर है, उत्पादन जो है सामाजिक रूप से आदर्श स्तर पर है, ऑप्शन देखिए आपके सामने है, एकाधिकार प्रतियोगिता के रूप में उत्पादन होता है, या एकाधिकार है यहां पे, या के फिर आपका ऑलिगोपॉलिस्टिक प्रतियोगिता है, या सही प्रतियोगिता के रूप में जो उत्पादन होता है, सामाजिक रूप से जो आदर्श स्तर बनाता है अपना किसी भी चीज का उत्पादन करने का, वो किस लेवल पे, एक सही प्रतियोगिता मानोगे या कि फिर मोनोपोली मान लोगे कि उत्पादन करना एक मोनोपोलिस्टिक एरिया है कि केवल कुछ ही लोग उत्पादन कर सकते हैं और उनका ही राज चलेगा, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सामाजिक रूप से आदर्श स्तर पर कब हो जाता है, जब एक सही प्रतियोगिता होती है उत्पादन की, कि वो भी उत्पादन करे, तुम भी करो, हर कोई उत्पादन करे, तो ये आपका इस पे परफेक्ट कंपटीशन है उत्पादन के लिए या प्रोडक्शन के लिए, परफेक्ट कंपटीशन होगा तभी सोशल आइडियल लेवल आएगा, है ना। तो यहां पे आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, कुछ कॉमेंट आया है, एक मिनट कॉमेंट देख लिया जाए। आशुपाल सर, एसएससी जेई के लिए जीके की किताब बताइए, किसी एक बुक से हम नहीं पढ़ सकते हैं, सबसे पहली बात जीके या जीएस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लुसेंट ले लीजिए, उससे कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद में एक सेशन में आपका बना दूंगा एसएससी वगैरह के लिए, जिसमें आपका जीएस कहां से पढ़ना है वो, क्योंकि ऐसे किसी बुक का नहीं बता सकते ना, उसके लिए या तो फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आप सिलेबस भेज दो उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें बता दूंगा, तो ऐसे अचानक से सारी चीजें बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, आप पर्सनली मैसेज कर दो मैं बता दूंगा। कौन सी एक अवशिष्ट कमाई है, रेसिडुअल अर्निंग कौन सी है, कि अलग से कमाई हो गई है ना, इसमें हमने ज्यादा कुछ मतलब क्या है कि अलग से आ गई ये कमाई, हमने ली ये पेन 5 रुपए की, बेच दी 5 रुपए में, कमाई हुई नहीं हुई, लेकिन ये अवशिष्ट कमाई कब कहलाएगी बताइए, कोई भी कमाई अवशिष्ट कमाई कब कहलाएगी, किराया नहीं 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 नहीं, किराए के लिए हमने किया क्या है, पहले कोई घर खरीदा है तो घर में तो हमारा अभी पैसा ही लगा हुआ है, तो जो किराया आ रहा है वो अभी प्रॉफिट में नहीं है, तो किराया नहीं होगा। मजदूरी, भाई मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूरी किया, आके मेहनत करी यहाँ पे, ठीक है, तो मजदूरी का फिर क्या मिल जाएगा, मजदूरी का वाहन मिल जाएगा, तो वो आपकी अवशिष्ट कमाई नहीं है, ठीक है। ब्याज और लाभ तो चाहिए, तो ब्याज को रेसिडुअल अर्निंग नहीं कहा जाता है। अब बचा आपके पास में प्रॉफिट, तो मान लीजिए कि ये पेन मैंने खरीदी 300 रुपए की, 500 रुपए की, 500 रुपए की ये पेन खरीद ली, अब 500 रुपए की ये पेन खरीदने के बाद में अगर मान लीजिए वो पेन क्या होती है कि मैंने 700 रुपए में बेच दी, तो ये क्या होगी, आपकी रेसिडुअल कमाई हो जाएगी या अर्निंग हो जाएगी आपकी प्रॉफिट वाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 नंबर प्रश्न क्या है, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, जो नई फर्म है आपकी, है ना, जो न्यू फर्म है उन्हें बाजार में प्रवेश करने से क्यों रोक दिया गया है, बताइए जरा, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, सही प्रतियोगिता हो सके इसके लिए, अरे सही प्रतियोगिता तब होगी ना जब सब लोग उत्पादन करेंगे, तो यह आंसर नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन, एकाधिकार हो जाएगा क्या, एकाधिकार हो जाएगा क्या, नहीं, ये फिर दूसरा, एकाधिकार प्रतियोगिता या मोनोपोली। अच्छा देखो, ऑलिगोपॉली जो लिखा है ना, ऑलिगोपॉली का प्रॉपर मीनिंग एकाधिकार नहीं होता, ये हटा दो ऑप्शन, मोनोपोली का होता है, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश से रोक दिया गया। मान लीजिए हुआ क्या कि हमारी लोगों की कुछ दुकान है 4-6 लोगों की, अब हमने कहा कि अब यहाँ पे कोई और दुकान नहीं खुलेगा, तो ये क्या हो गई, मोनोपोली हो गई ना, ऑलिगोपोली थोड़ी है ये एक प्रकार की क्या हो गई, मोनोपोली हो गई। मोनोपोली मतलब केवल हम करेंगे, केवल हम जो चाहेंगे हमारे हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा, तो ये अपनी क्या कहलाएगी, मोनोपोली कहलाएगी, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, एकाधिकार है। एक व्यय जो किया गया है, एक खर्चा जो किया गया और वसूल नहीं किया जा सकता है, हमने एक खर्चा किया है और वो वसूल नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाएगा बताइए। सॉरी, एक खर्चा हमने किया है जिसे वसूल भी नहीं किया जा सकता है। नहीं नहीं, 7-7, 8-8 क्वेश्चन हर टॉपिक से डाले हैं, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, हिस्ट्री से, स्पोर्ट्स से, हर टॉपिक के क्वेश्चंस यहां पर डाले हैं।
एक खर्चा जो किया गया है और उसे वसूल नहीं कर सकते हैं, तो परिवर्तनीय लागत तो ये नहीं होती है, वेरिएबल कॉस्ट ऐसा नहीं होता, परिवर्तन होगा तब होगी। फिर अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, डूब हो सकती है, परिचालन है नहीं, तो ये बिल्कुल देख के समझ में आ जाएगा। नितेश भाई बिल्कुल, वर्षा बिल्कुल, मतलब कोई चीज डूब गया भाई, हमने खर्चा किया, अब उसे वसूल ना कर पाए, अब वसूल नहीं कर पाए मतलब वो चीज क्या हो गई, डूब गई, सिंपल सी बात है। 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 25 नंबर क्वेश्चन है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच मिनिस्ट्री इज द नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट, भारत सरकार में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय बताइए, भारत सरकार में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन है? हाँ देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, तो जो देख के आंसर लगेगा ना आपको, जो लग रहा है वो आंसर इसका है नहीं, ये दूसरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ना, अनदर जो दूसरा अन्य डिपार्टमेंट है उसमें आता है, कृषि मंत्रालय नहीं है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नहीं है। नदी संरक्षण को जल संसाधन के अंतर्गत ना रख के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर से मैं आपको बता देता हूं, एमपी पटवारी की प्री मेगा मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी कल, कल मतलब 18 सितंबर को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक के लिए ये आपका ओपन किया जाएगा सभी लोगों के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पर। जिनके पास में परीक्षा ऐप है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, और वहां पर कल सुबह 10 बजे एमपी पटवारी की परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए सुबह 10 बजे ओपन कर दी जाएगी। ये टेस्ट आप लोग देते हैं तो जितने भी बच्चे इसमें टेस्ट देंगे, जो टॉप 10 बच्चे आएंगे, उन टॉप 10 बच्चों में से जो 10 बच्चे शुरुआती होंगे, उन 10 बच्चों को एक साल के लिए परीक्षा प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। अब परीक्षा प्रो आपको कई बार बताया है कि क्या है, परीक्षा को एक पास है जिसके माध्यम से सारे सेगमेंट के जितने भी टेस्ट सीरीज होंगी वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे उस पे, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें। तो चले देखते हैं सबसे पहले किस राज्य का गठन कब किया गया, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन आपको पता है सन 2000 में किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद में अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश का गठन कब किया गया, फिर झारखंड राज्य का गठन कब किया गया, सिक्किम राज्य का गठन कब किया गया, है ना, तो 1972 आपका अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित बनाया गया, फिर 87 में इसे भारत का 24वां राज्य बनाया गया 1987। फिर झारखंड राज्य के साथ में जाते हैं तो झारखंड राज्य को देखेंगे, झारखंड के बाद में फिर आएंगे सिक्किम के साथ, तो सिक्किम आपका अलग स्टेट, सिक्किम को दो तीन बार, इसका तीन बार, है ना, चले लगाए। अच्छा इसमें एक समस्या और दिख रही है जो मैं देख पा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ अरुणाचल प्रदेश की इसमें ऑप्शन दिए ही नहीं गए हैं, है ना। झारखंड अपना 2000 के पास का है, ये आपका 1 अक्टूबर का है, ये आपका 15 नवंबर का है, ठीक है, और इसमें आपके ऑप्शन ही नहीं दिए गए, तो ऑप्शन जब नहीं दिए गए तो ये समस्या हो जाएगी इसमें। अब इसमें एबीसीडी में डलवाऊं, कैसे डलवाऊं, चल छोड़ देते हैं इसको। अपन सबसे पहले अपन लेके चलते हैं 75, मतलब आपका डी आ जाएगा। फिर इसके बाद में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है तो 75 के बाद में 87 आ जाएगा, फिर इसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा 2000, फिर इसके बाद में आपका सी वाला आ जाएगा, ये आपका 2000 वाला। नेक्स्ट बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। 27, तीन राज्यों में भारत के क्षेत्रफल का लगभग 30%, तीन राज्यों में भारत के क्षेत्रफल का लगभग 30% लगाएंगे आंसर, क्या आंसर होगा इसमें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब बड़े राज्यों की अगर हम बात कर ले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आर एम एम यू जी के ये आपके बड़े राज्य है, मतलब फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकेंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, है ना, फिफ्थ पे ये है और सिक्स्थ पे ये है, मतलब ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ये आपका एमपी, ये वाला आपका महाराष्ट्र, ये वाला आपका यूपी, ठीक है, इसके बाद में आपका ये वाला गुजरात और ये वाला आपका कर्नाटका। अब इस हिसाब से देखा जाए
कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 30% ये तीन राज्य ही घेर कर रखे हुए हैं। तो भारत के क्षेत्रफल का 30% ये तीन राज्य घेर कर रखे हुए हैं। तो स्टार्टिंग के तीन बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो राइट ऑप्शन में हम क्या लगा सकते हैं इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सी वाला। अगर ये सिक्वेंस हमें याद है कि कौन कौन से राज्य है जो आपके सिक्वेंस में बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये आंसर आप बन जाएगा आपसे। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में, कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और नाम भी तीन से ही शुरू होगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से उसी फॉर्मेट पे उसका नाम भी स्टार्ट होता है। तो ये आंसर आप लोग जल्दी जल्दी लगा सकते हैं, एक बार फटाफट सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग लगा पाएंगे, है ना। चलें अब देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। सबको पता है त्रिपुरा जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से, है ना। हमेशा से ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग किए गए देश कौन से हैं। तो मैकमोहन रेखा आप बता सकते हैं, मैकमोहन रेखा। अब इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के लिए आपको पता है कौन सा है, तो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या एलओसी या ऐसा कुछ आ जाता है तो ये हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए आपका अलग है दूसरी लाइन है, बांग्लादेश और भारत इसकी अलग लाइन है। तो मैकमोहन किसका किसका है, चाइना और भारत का है, ठीक है। तो मैकमोहन भारत और चाइना के लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, उत्तरी बिहार किसके लिए फेमस है। नॉर्थ बिहार इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर, प्रॉस्पेरिटी, हैवी इंडस्ट्री, फ्लड या फेमाइन। अपने यहां से एक नदी निकलती है, सोन नदी, है ना। कहां से, तो ये आपका अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलकर मध्य प्रदेश और फिर कहां कहां जाती, देखो क्या हो गया, जय राजपूताना, सबको ही गलत लगता हूं, क्या हुआ क्या भाई बताओ। हाँ भाई 1914, वेरी गुड अनुराग। चलिए आगे आ जाते हैं, फ्लड। देखिए सोन नदी बाढ़ क्या करती है, उत्तरी बिहार में भीषण बाढ़ लेकर आती है। सोन नदी अपने यहाँ की जो है जब बिहार जाती है तो वहां पर उत्तरी बिहार में भीषण बाढ़ का कारण बनती है। तो राइट ऑप्शन आपका सोन रिवर के द्वारा बाढ़ जो आती है, फ्लड आता है, वही आंसर हो जाएगा। एक रेतीला और खारा क्षेत्र, कैसा, रेतीला और खारा क्षेत्र, एक भारतीय पशु प्रजाति का प्राकृतिक आवास, भारतीय पशु प्रजाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में जानवर का कोई शिकारी नहीं है, जानवर का कोई शिकारी नहीं है, लेकिन उसके निवास स्थान के नष्ट हो जाने से उसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। वो जानवर निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, जंगली भैंसा है, जंगली गधा है, या भारतीय जंगली सुअर है, या भारतीय गैजल है। तो बताएं क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, गधा है? गधों की कमी हो गई है क्या, चले लगाएंगे। गैजल का मतलब बारह सिंघा से होता है, ध्यान रखना, है ना, वो बारह सिंघा अलग है। गधा, देखो गैजल का मतलब क्या होता है यहां पे आपका, बारह सिंघा से, एक छोटा बारह सिंघा, तो ये नहीं आंसर। वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंसा नहीं, भारतीय जंगली गधा, ये आपका जानवर आपका आंसर सही हो सकता है। कहां पाया जाता है, रेतीले क्षेत्र में, आपका एल्कलाइन एरिया में, खारे क्षेत्र में पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा जो खारे क्षेत्र होंगे उन सभी जगह, मतलब सैलाइन जो एरिया होगा वहां पर मिलेगा। पशु प्रजाति का प्राकृतिक आवास ऐसा ही है, खारा और रेतीला, जो है भारतीय जंगली गधा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतरदेशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी, अंतरदेशीय जलमार्ग के लिए क्या है, द रिवर विच इज यूज फॉर इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया इज, अंतरदेशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। चलिए जल्दी आंसर बताएंगे, अंतरदेशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी। अब उसी नदियों से तो सारी नदियां कनेक्टेड है, वही तो सबसे बड़ी नदी है और उसी से ही तो सारी की सारी कनेक्टेड है। पटवारी लवर, दुख मनाने वाला दिवस, बेरोजगारी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। कौन बोल रहे हैं ये, पटवारी लवर, हां जी भैया। चलो अंतरदेशीय, देखिए गंगा नदी ही इसका सही आंसर होगा आपका।
अंतरदेशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी आपकी गंगा नदी है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, किसे भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है? पहले भी ये क्वेश्चन एक बार हमने किया है, भारत की झींगा राजधानी के रूप में किसे जानते हैं? सबसे ज्यादा झींगे का उत्पादन होता है पंचायती राज वाली क्लास में, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। चलो चलो, गंगा गंगा 25-25 हो गया कंप्लीट, आगे बढ़े। चलो लगाओ 14-15, 2-15 लगाइए, आंसर लगाइए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। इस पर 25-25 हो गया सही आंसर। अब हम बढ़ेंगे आगे, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है भारत की झींगा राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की झींगा राजधानी नेल्लूर, कौन सा? नेल्लूर भारत की झींगा राजधानी है। 33 कंप्लीट हुआ, 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस शहर में दो रेलवे क्षेत्रों का मुख्यालय है? कौन सा वो शहर है जहां पर दो रेलवे क्षेत्रों का मुख्यालय है? चलें बताएंगे, दो रेलवे क्षेत्रों का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है या जबलपुर में है? दो रेलवे जोन का मुख्यालय भारत में कहां पर है? चलो चलो जल्दी से, दो रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, ये भी बन जाएगा आपसे। हाँ लगाते जाइए टारगेट यूपीएससी अनुराग ठाकुर। दो रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? भारत में दो रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? आंसर करें फटाफट, फटाफट आंसर करेंगे। लग गया, चलो सब लोग तो लगभग सही लगा ही रहे हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लगा पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, है ना? तो मुंबई वाला आपका, इसमें दो रेलवे जोन के मुख्यालय हैं, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक पारिभाषिक क्षेत्र में एक साथ रहने वाले एक ही व्यक्ति के कई व्यक्ति खालिस्तान बनाते हैं। मान लीजिए एक कोई पारिभाषिक क्षेत्र है, एक साथ रहने वाले एक ही व्यक्ति के, मान लीजिए वाला व्यक्ति है ये, है ना, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के कई व्यक्ति बन जाते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति और रहते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? समुदाय, जींस, जनसंख्या या पारिस्थितिकी तंत्र, क्या कहेंगे बताओ? मतलब एक ही व्यक्ति के साथ में कई सारे अन्य व्यक्ति भी निवास करते हैं। मैनी इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम लिविंग टूगेदर, एक जैसे रहने वाले स्थान में, इन अ डिफाइंड एरिया फ्रॉम ए और एन, क्या आंसर होगा इस पे? आज मैराथन क्लास है जिसमें एमपी जीके भी मिक्स होगा, है ना, सब कुछ होगा इस पे। चलो कमेंट करते जाओ, क्या होगा? समुदाय नहीं, समुदाय नहीं, पारिभाषिक क्षेत्र में, कोई पारिभाषिक क्षेत्र है, एक साथ रहने वाले एक ही व्यक्ति के कई व्यक्ति यहाँ पे क्या बनाते हैं? अपनी समुदाय बना लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बना लेते हैं, जनसंख्या बना लेते हैं, ठीक है समुदाय, ठीक है भाई, ठीक है कम्युनिटी ही, हाँ कम्युनिटी, ठीक है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु और तिपतिया घास जिनकी जड़ों में वे रहते हैं उनके बीच अंतर संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? पारस्परिकता, सहभोजवाद, भविष्यवाणी, परजीवीवाद। अब देखो ये इकोलॉजी से क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन जो है ये अपना इकोलॉजी से है। चलो लगाओ, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु और तिपतिया घास जिनकी जड़ों में वे रहते हैं इनके बीच अंतर संबंधों का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं किस में? सहभोजवाद में, भविष्यवाणी में, परजीवीवाद में, परजीवीवाद में एक दूसरे पर आश्रित हो जाए वो दूसरे पर आश्रित होगा, परजीवी है, पारस्परिकता या सहभोजवाद। मुझे तो इकोनॉमी पढ़ना है, कोई नहीं बता ही नहीं रहा, इकोनॉमी पढ़ना, इकोनॉमी की क्लासेस लगवानी है। पारस्परिकता इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, पारस्परिकता इसका सही ऑप्शन है। इकोलॉजी, इकोनॉमी, इकोनॉमी देखिए एक बार में समझ में आ भी जाती है और तुरंत भूल भी जाती है, जैसे आपका केमिस्ट्री होती है कि समझ में आ भी जाती है और फिर निपट भी जाती है, तो इकोनॉमी कॉन्सेप्चुअल है, है ना। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री जैसा हिस्ट्री और केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटो सुबह सब सफा, है ना, तो वो वैसे ही है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी चीजें यार याद रखनी पड़ती है कॉन्सेप्ट के रूप में।
प्रीस्टली, लेवोजियर, डॉल्टन, मैनलीप। मैनलीप तो बिल्कुल नहीं है, डॉल्टन भी नहीं है। बचे लेवोजियर, लेवोजियर या लेवोजियर कहा जाता है इन्हें, जिन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता के रूप में लेवोजियर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक शुद्ध पदार्थ केवल खाली स्थान हो सकता है। अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी अ कंपाउंड, एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, अ हेटरोजेनस मिक्सचर। बताइए क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा इस पे, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए, एक शुद्ध पदार्थ केवल क्या हो सकता है, एक यौगिक हो सकता है, एक तत्व हो सकता है, या फिर तत्व या यौगिक दोनों हो सकता है। एक तत्व या यौगिक दोनों हो सकता है। देखिए, जो शुद्ध पदार्थ होता है, अ प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस कई बार कंपाउंड भी बनाया जा सकता है, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। वैज्ञानिक जो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, क्या है? साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के पिता के रूप में, एरिस्टोटल, अरस्तु, डार्विन, थियोफ्रास्टस और लीनियस। कार्लीनियस है, थियोफ्रास्टस है, डार्विन है, अरस्तु है। तो डार्विन बात तो है नहीं, अब बचे तीन ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आप हिसाब से अपने लगा सकते हैं, लगाइए, है ना, अरस्तु है या थियोफ्रास्टस है। वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में माना जाता है या जाना जाता है, तो थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। वेरी गुड, सही आंसर है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं। अब हम 40 नंबर के प्रश्न पर, तो 40वां प्रश्न कहता है, जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पार्किंसे। जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए बताइए, जीव विज्ञान का पिता, जल्दी 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 बताएंगे, जीव विज्ञान का पिता के रूप में किसे जाना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, ये तो सबको पता है, सबको पता है ना, एरिस्टोटल, बिल्कुल एरिस्टोटल, अरस्तु, क्या है, एरिस्टोटल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया या किसके द्वारा गढ़ा गया, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, 1801 में, 1801 में, 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, याद करो ये आंसर, हाँ लगा तो रहे हो अब आंसर, सब तो नहीं लगा रहे हो लेकिन फिर भी कुछ ही लोग लगा रहे हैं, टारगेट, सतीश भूरिया, नीतीश, सही है आपका, हरजान आपका भी सही है, टारगेट यूपीएससी, सतीश भूरिया, और कौन है, सुनील है, लैमार्क तो है, तो फिर ट्रेविनेरस भी है, अगर लैमार्क और ट्रेविनेरस इन्हीं दोनों ने तो किया था, लैमार्क बस नहीं है, लैमार्क और ट्रेविनेरस ये दोनों है 1801 में इन्होंने जीव विज्ञान शब्द के लिए बताया था, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, जूलॉजी शब्द के पिता या जूलॉजी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के फादर के रूप में किसे जाना जाता है, बताएं। ये आज 2 घंटे हैं, लगभग 75 क्वेश्चंस हैं टोटल, है ना, जूलॉजी के पिता के रूप में एरिस्टोटल, डार्विन, लैमार्क या पार्किंसे, जल्दी जल्दी बताइएगा, जीव विज्ञान शब्द के क्या है यहां पे, जूलॉजी के पिता के रूप में, जूलॉजी के पिता के रूप में, टारगेट यूपीएससी, हरजान, ए, ट्रेविनेरस नहीं पता था, कोई बात नहीं, चंचल श्रीवास्तव उसको नोट कर लेना, है ना, अपन जब बायो पढ़ते हैं कोई भी बुक उठाते हैं उसमें प्रॉपर लिखा ही होता है, हरजान, ठीक है, हरजान, ठीक है, बिल्कुल सही है, पार्किंसे नहीं, और ट्राई करो और ट्राई करो, ट्राई करते जाओ, जूलॉजी के पिता के रूप में सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है,
फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी ये भी गलत करो ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फादर ऑफ जूलॉजी ये तो गलत मत करो, है ना। इतने में तो यार तुम लोग तो कुछ भी कर सकते थे। पुरकुंजी नहीं यार, एरिस्टोटल ही है। जूलॉजी के भी फादर, फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल ही है। एरिस्टोटल को ही, अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में जाना जाता है। रिट्राई देयर वाज प्रॉब्लम विद सर्वर 503। चलो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर का प्रश्न है, तीरंदाजी में लक्ष्य किस आकार का होता है? जो लक्ष्य होता है तीरंदाजी में, एन आर्करी, व्हाट शेप इज द टारगेट? आर्करी में, लक्ष्य में, टारगेट किस शेप का होता है? जैसे मान लीजिए कि ये आपका धनुष हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे राउंडर हो गया, साइड कॉर्नर हो गया, कॉर्नर के बाद में ऐसे धनुष होता है, ठीक है, फिर यहां से ऐसे ये बाण लगाई जाती है। अब इसके बाद में लगाओ, हाँ अरस्तु, ठीक है, अब लगाए हैं, राउंड सर्कल होता है। देखो ये धनुष होती है ना, तो एक हाथ से जब पकड़ते इस प्रकार से, जब पकड़ते इस प्रकार से, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ये राउंड बनता है ना, आधा सर्कल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट हुआ, 44 पे आ जाइए। लगातार तीन विंबलडन खिताब जीतने वाली एकमात्र महिला, लगातार तीन विंबलडन खिताब जीतने वाली एकमात्र महिला, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये भी बन जाने चाहिए आपसे, बताइएगा। लगातार तीन विंबलडन खिताब जीती थी इनने, स्टेफी ग्राफ, सांग शानू, मेल्टन, मारी पियरे। लगाइए लगाइए, जल्दी लगाइए, इस पे तो मतलब खतरनाक ही है, जल्दी जल्दी जल्दी। टेनिस प्लेयर है ये, है ना, विंबलडन क्या होगा, टेनिस प्लेयर से ही रिलेटेड होगा, जल्दी जल्दी लगाएं। ग्रैंड स्लेम से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जर्मनी से है ये, जल्दी लगा लो। अब और बता दिए, वृत्त नहीं, वृत्त, चलो देखिए, स्टेफी ग्रेफ जो कि जर्मनी से है, लगातार तीन विंबलडन इन्होंने जीते थे, ठीक है। और अभी हाल ही में आपको एक कहानी पता ही होगी, कल ही बताया मैंने, है ना, आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा, उस पर शॉर्ट्स भी बनाया था हमने, तो वो शॉर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, घोषणा करी है ऐसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? इसमें ऑप्शन में है ही नहीं वो स्टेडियम, आंसर लगाओ, बताओ, वो स्टेडियम का नाम है ही नहीं इसमें, लगाओ आंसर, बताओ। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़े स्टेडियम के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, लगा लो जरा दिमाग लगाओ, विदाउट ऑप्शन बताना है आपको, विदाउट ऑप्शन, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम के लिए आंसर बताना है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी 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 कमेंट करें और आंसर बताएं। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका, हाँ, व्रत 03, बहुत अच्छे, मोटेरा वाला जो स्टेडियम था जिसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है अहमदाबाद वाला, वही आपका विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वेरी गुड, बढ़िया आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की, विंबलडन का खिताब जीतने वाले पहले अश्वेत, कैसे, पहले अश्वेत, फर्स्ट ब्लैक टेनिस प्लेयर टू विन अ विंबलडन टाइटल, अश्वेत टेनिस खिलाड़ी कौन थे, है ना, जो श्वेत नहीं है, जो सफेद नहीं है, तो बताइए, स्टेफी बुचेर, गिगटा सेन, या एल्थिया गिब्सन, या सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी को कहां भेज दिए यार, विंबलडन लेने के लिए इनको भेज दिया। चलो ये तो सबसे पहले हटा देंगे अपन, है ना, ये तो सबसे पहले हटा देंगे अपन, अब बची स्टेफी बुचेर, गिगटा सेन या एल्थिया गिब्सन, एल्थिया गिब्सन, तो लगाएंगे ये चार विकल्प आप, जल्दी जल्दी बताएंगे। हो गया आंसर, नहीं लगा पाए, कुछ लगा रहे हैं कुछ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। एल्थिया गिब्सन जो है पहली अश्वेत टेनिस प्लेयर है जो कि यूएस से थी, और इन्होंने विंबलडन जीता था, क्या जीता था इन्होंने, विंबलडन जीता था, टेनिस प्लेयर, संतोष ट्रॉफी का संबंध। अब संतोष ट्रॉफी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, विद विच गेम डज संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड, किस गेम से संतोष ट्रॉफी का संबंध है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है, टेनिस से है, क्रिकेट से है, नेशनल फुटबॉल से है, या गोल्फ से है, तो बताइए। फिर संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू या एसोसिएटेड विद विच गेम, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है,
एग्जाम ने एक मंथ वेस्ट कर दिया चंचल। हाँ यार क्या कर सकते हैं बताओ, वो तो पहले ही था कि जब इनका अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि पेपर कौन बनाएगा, कौन सी कंपनी को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, टेंडर मिल रहा है, तो ऐसी समस्या जब पहले से ही थी तो वो चीजें थोड़ी सी अव्यवस्थित तो होनी थी, है ना। तो ये आपका सही आंसर नेशनल फुटबॉल हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप इज रिलेटेड विच, एसोसिएटेड विद विच गेम? तो डेविस कप का संबंध कौन से गेम से है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया परीक्षाओं में, बहुत ज्यादा पूछा गया। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम, जल्दी बताइए डेविस कप का संबंध किस गेम से है, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया कंफ्यूज, कोई बात नहीं। डेविस कप इज रिलेटेड या एसोसिएटेड विद विच गेम और एसोसिएटेड विद विच गेम? लॉन टेनिस, लॉन टेनिस, वेरी गुड, लॉन टेनिस। देखिए डेविस कप का रिलेशन लॉन टेनिस से है या एसोसिएटेड है या आपका लॉन टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तरी ध्रुव पर स्की करने वाली या उत्तरी ध्रुव पर क्या है, हु बिकम द फर्स्ट वूमेन इन द वर्ल्ड टू स्काई टू द नॉर्थ पोल, या उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन सी थी, बताइए। स्काई करने वाली या उड़ान भरने वाली, उत्तरी ध्रुव पर स्काई करने वाली, उड़ने वाली, या देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली नहीं, एन्ना, एन्ना बैनर ऑफ उत्तरी ध्रुव पर स्काई डाइविंग या स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला। क्वेश्चन नंबर 50 है, तिब्बत के निषिद्ध शहर की यात्रा करने वाली, तिब्बत का जो निषिद्ध शहर है जहां जाने में है ना क्या है, हु बिकम द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू ट्रेवल टू फॉरबिडन सिटी ऑफ तिब्बत, तिब्बत शहर की यात्रा करने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी, गर्टूड ब्रेल, एल्थिया गिब्सन, तो एल्थिया गिब्सन को तो अभी बताया ये आपकी टेनिस प्लेयर है, फिर अलेक्जेंड्रा डेविड नील या फिर एनी बैनक्रॉफ्ट, क्या ऑप्शन होगा इस पे? देखो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन में थोड़ी समस्याएं जरूर हो सकती हैं आप लोगों को, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, फॉर्म फिल नहीं किया था। अलेक्जेंड्रा डेविड नील जो पहली यूरोपियन महिला है तिब्बत शहर की जिन्होंने यात्रा करी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन मालवा क्षेत्र का नहीं है? अच्छा अब क्वेश्चन अपने एमपी जीके से है, क्योंकि इसमें जीके जीएस और एमपी जीके सब कुछ मिक्स था, स्पोर्ट्स भी मिक्स था, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है ना, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और फिर इसके बाद में एमपी जीके मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए अब इन क्वेश्चन की भी बात करते हैं। मालवा क्षेत्र का लोक गायन, भरथरी लोक गायन लिखा हुआ है पहला, संजा लोक गायन, हीड लोक गायन। तो मालवा में भरथरी गायन, संजा गायन, हीड गायन ये तीनों होते हैं, लेकिन घोटुल प्रथा नहीं होता है। घोटुल प्रथा क्या है? तो घोटुल प्रथा में एक कमरा होता है जिसमें यौन शिक्षा से संबंधित होता है, किससे संबंधित, यौन शिक्षा दी जाती है, तो ये आपका घोटुल प्रथा यौन शिक्षा के लिए है, तो आंसर आपका डी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, ढोला मारू फोक सॉन्ग, ढोला मारू फोक सॉन्ग विच इज कंपोज बाय एमपी संग इन मैनी रिलीजियस मैनी रीजंस विच स्टेट एक्चुअली बिलोंग्स टू द फोक सॉन्ग्स। ढोला मारू लोकगीत मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है, वास्तविक रूप से ये किस राज्य का लोकगीत है, स्पेशली ये किस राज्य का है? मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी जगह गाया जाता है, पर है कहां का, एक्चुअल में किस राज्य का लोकगीत है? गुड आफ्टरनून सपना, चलो चलो लगाते जाओ, बताते जाओ फटाफट। राजस्थान, नंदिनी, वेरी गुड, राजस्थान राज्य का, बेसिकली राजस्थान राज्य का ये आपका लोकगीत है, तो राइट ऑप्शन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गीता फेस्ट समारोह का आयोजन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में गीता फेस्ट समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो चले इस पे आंसर बताएंगे आप, गीता फेस्ट समारोह भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या ग्वालियर में,
गीता फेस्ट समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे। गीता फेस्ट समारोह का आयोजन अभी शुरू हुआ है, गीता फेस्ट समारोह का आयोजन या गीता फेस्ट अभी शुरू किया गया है, यह आंसर भी आपसे बन जाना चाहिए। लगाएं आंसर। यही तो फिसल गया। यहीं तो फिसल गया। चले बढ़िया बढ़िया, कुछ तो आंसर आ रहे हैं, कुछ तो आंसर जा रहे हैं। एक दिन अभी कराया हूं यार, ये क्वेश्चन भी मैं कराया हूं, याद आ रहा है मुझे शायद, जितना तो मैंने ये क्वेश्चन एक दिन कराया भी है भाई, गीता फेस समारोह का आयोजन कराया है। हाँ, गीता फेस्ट समारोह का करंट में शायद बताया है। बिल्कुल ए भोपाल टारगेट यूपीएससी, बिल्कुल गीता फेस्ट समारोह अभी हाल ही में शुरू हुआ आयोजन है ना, तो गीता फेस्ट समारोह का आयोजन भोपाल में होता है। ये नया क्वेश्चन है, इसको हो सके तो स्क्रीन शॉट लेके रख लो, है ना, इसको स्क्रीन शॉट लेके रख लो, ये नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा मालवा का लोक गायन है? मतलब इतना करंट, इतना भी नया नहीं है, पर ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, एकदम से नया नहीं है पर थोड़ा नया है। कौन सा मालवा का लोक गायन है जो सामूहिक रूप से चिंकारा, सितारा और तबला आदि के साथ मिलाकर गाया जाता है? तो बताएंगे कौन सा गायन है जिसमें चिंकारा वाद्य यंत्र का, सितारा का और तबला वाद्य यंत्र, इन सभी का प्रयोग होता है। हीड गायन नहीं, रेलो गीत नहीं, भरथरी गायन बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना, तो भरथरी गायन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भरथरी गायन, ठीक है, भरथरी गायन, चल लगा लीजिए इस पे फटाफट भरथरी गायन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट हुआ, 55 पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा लोक गायन बुंदेलखंड से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित लोक गायन कौन सा होगा? हीड गायन है, जगदेव का पुआरा, कलगी तुर्रा, तो ये तो निमाड़ विमाड़ भेज दोगे इसको, ठीक है, कहा खतरनाक, बिरहा विदेशिया बसदेवा, तो ये अपने कहां का है, बघेलखंड का है। कलगी तुर्रा आप निमाड़ भेज देना, ये हटा देना, ये हटा देना। अब बचा हीड गायन, तो अभी हमने मालवा के लिए पढ़ा है, बचा क्या, जगदेव का पुवारा, क्या लगाया आंसर, लगाया आंसर, नहीं लगाया, नहीं लगाया, बिरहा विदेशिया बसदेवा, ये बघेलखंड के हैं, ठीक है। तो अब बचा हीड गायन, तो लगा नहीं सकते हो सुनील लाहरिया, अरे हीड क्यों लगाओगे जब अभी पढ़ाया मैंने हीड के लिए, हाँ वर्षा, बिल्कुल सही, बिल्कुल वर्षा यादव, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे जाते हैं, संविधान में अनुसूचित जाति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? देखो अनुसूचित जाति के लिए बात की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 के खंड 24 में भी बात की गई है, और जो आर्टिकल दिए गए हैं 341 के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दे सकता है, दे सकते हैं, ये 341 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए आपको पता है 338 वाले आर्टिकल के साथ में ये सारी कहानी आपकी स्टार्ट होती है ना, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आप पढ़ते हैं ये पूरे अनुच्छेद, है ना, ये पूरे आयोग सारी चीजें आप देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में एससी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, ठीक है ठीक है, बिल्कुल अनुराग ठाकुर चलते हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे 338 नन ऑफ द अबव या 331 या 338 ए, चलो लगा लो आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जी बहुत बढ़िया, सही आंसर लगा रहे हो, एससी कमीशन की बात है ना, एससी कमीशन की बात है, तो जल्दी जल्दी आंसर लगाएंगे आप इसमें,
फटाफट। एससी कमीशन, संवैधानिक दर्जा दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। चले आगे बढ़े, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और 338 ए में किसके लिए बात कर दी गई है? तो 338 ए अभी आपका नया बनाया गया है, 338 ए आपका बिल्कुल नया बनाया गया है, ठीक है। आर्टिकल 338 की बात करेंगे तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करता है। और अगर हम बात करें आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आपका 338 ए की बात कर लें, ठीक है। तो आर्टिकल 338 ए में जब आप चले जाएंगे तो अनुसूचित जनजाति के लिए जिसको बाद में जोड़ा गया, ठीक है, तो वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी मुझे याद डी वाले बी सिवाय टारगेट यूपीएससी निकेत उपाध्याय, आप सभी पढ़िए अच्छे से। चले अनुराग, टारगेट यूपीएससी। चलो हो गए कमेंट्स, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जातियां पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जातियों की बात है, एमपी में अनुसूचित जातियां 46, 47, 48, 49। तो 49 को हटा देता हूं, अब बचे तीन ही विकल्प आपके पास में, तो यंस तो आप इजीली लगा सकते हैं। बताइए एससी कितने हैं? मैं तो बाहर हूं, इतना शोर हो रहा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जी चंचल जी चलते हैं। अभिलाषा कुर्मी, वेरी गुड अभिलाषा, बताइए अनुसूचित जातियां मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जातियां हैं? फटाफट एमपी में कुल कितनी अनुसूचित जातियां हैं? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, सबसे बनेगा एमपी में कुल कितनी अनुसूचित जातियां हैं, बताइए सबसे बनेगा ये आंसर, ठीक है। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे, है ना। अब देखो 15.60 की हम बात करें तो 15.60 तो इनका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अब 15.60 तो एससी का परसेंटेज है, अब उसी परसेंटेज के हिसाब से नंबर भी पूछा जाता है। 46 बिल्कुल सही, 46 बिल्कुल सही, चले आगे क्वेश्चन 46 बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, कौन सी जनजाति राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित अनुसूचित जाति है? अब एससी के लिए पूछ रहा है, सबसे बड़ी एससी है ना, एससी सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से? बाथम है, जाटव है, रैदास है, या चर्मकार चमार जाति है? तो इस प्रकार से चार विकल्प प्रश्न में दिए गए हैं, प्रश्न के हिसाब से आपको इसका उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। कौन सी जनजाति राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कहलाती है, अनुसूचित जाति कहलाती है, जनजाति नहीं पूछा गया, तो यह आप सभी से बन जाएगा उत्तर। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चर्मकार या चमार जाति इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 60 नंबर पे, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया? क्या है? एमपी व्हेन वाज द स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग नहीं, मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया? फटाफट कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे इसका, कि मध्य प्रदेश में कब राज्य अनुसूचित जाति आयोग गठित किया गया, जल्दी जल्दी बताएंगे। सही आंसर अभी नहीं आया, अक्षिता का सही आंसर है, क्या नाम है, नाम क्या था, अंकिता, सॉरी अंकिता, वेरी गुड। हाँ टारगेट यूपीएससी आपका भी आंसर सही है, टारगेट यूपीएससी बिल्कुल। देखिए 95 में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, 61 है, निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? सॉइल इज न्यूट्रल इन द नेचर, कौन सी मिट्टी है जो न्यूट्रल होती है नेचर में? तो चले जल्दी से बताएंगे कौन सी मिट्टी है जो नेचर में न्यूट्रल होती है। काली मिट्टी का आपको पता है कहां तक चला जाता है इसका, ठीक है, फिर जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी, सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है वही आपकी न्यूट्रल होती है, उदासीन प्रकार की मिट्टी होती है। राइट ऑप्शन आप लगा लेंगे, राइट ऑप्शन आप लगा लेंगे, हाँ क्या लगा है, 61 बहुत अच्छे, 61 अगर आपने लिख दिया है, क्योंकि अभी बहुत पीछे चल रही है ना ये क्लास, पीछे दिख रही है मुझे अभी फिलहाल, तो 61 नंबर क्वेश्चन, 61 काली मिट्टी तो है नहीं, 5.5 से 7.5 के बीच में होगा, ठीक है।
61 नंबर 5.5 से 7.5 के बीच में, 5.5 से 8.5 7.5 इतना रहता है लगभग। तो काली मिट्टी को तो हटा ही दो, काली मिट्टी न्यूट्रल नहीं होती है, काली मिट्टी न्यूट्रल नहीं होती है। रजन एचआर जान बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी आपका इसका राइट ऑप्शन होगा, जलोढ़ मिट्टी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में लगभग, चलो आंसर लगा लो पहले फिर मैं बता देता हूं, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, फिर काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप सारी मिट्टियों को मिलाते हैं तो लगभग 5 प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश में हमें मिलेंगी, है ना। शिवानी पाठक, आइए शिवानी, सिद्धार्थ, जलोढ़, अभिलाषा, जुनेद, रक्षा, भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़, सबसे उपजाऊ, तो 5 प्रकार की मिट्टियां यहां अपने मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। काली मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं, ठीक है। काली मृदा को रेगुर, करेल, चारनोजम या उपर्युक्त सभी, तो ये तो कई बार पढ़ लिया है आपने, कई बार लगा लिया है। तो काली मिट्टी अपनी रेगुर मिट्टी के नाम से, करेल मृदा के नाम से या चारनोजम के नाम से भी इंटरनेशनल लेवल पे जानी जाती है। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 64 नंबर, मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के रूप में जाना जाता है? कपासी मृदा के रूप में कौन सी मिट्टी है जिसे हम जानते हैं कि यह कपासी मृदा है? ठाकुर, दीपांशी, शैली जैन, बागीश, कपिल मीना, सिद्धार्थ, सुनील, निकेत, अभिषेक, नितेश, रक्षा, टारगेट यूपीएससी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपसे बनता है, ये बड़ी बात है ना, 5 ही प्रकार की। अब यहाँ पे जो काली मिट्टी है, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है और इसलिए मध्य प्रदेश में काली मिट्टी जो है, कपासी मृदा को भी काली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ होता है या कहाँ पाया जाता है? मालवा पठार के अलावा बुंदेलखंड रीजन में मिलेगी क्या, नर्मदा घाटी में, छत्तीसगढ़ में चले जाओगे या मध्य भारत के पठार में मिलेगी? कहां पर काली मिट्टी के पठार, काली मिट्टी का और ज्यादा विस्तार मिलने वाला है? तो बुंदेलखंड में तो ना मिले आपको, ठीक है, मध्य भारत के पठार मतलब वही आपका ऊपर चले जाओ वहां भी ना मिले, है ना। छत्तीसगढ़ के मैदान में, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में तो चावल होता है, तो यहां भी नहीं मिलने वाली। अब बचा कौन सा, नर्मदा घाटी, तो ऑब्वियसली नर्मदा घाटी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा, यहां पर काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का प्रथम बृहद उदाहरण पगारा बांध या पगारा बांध किस जिले में स्थित है? पगारा बांध कहां पर स्थित है, चल बताएं, पगारा बांध ये भी बनेगा आपसे, है ना, पगारा बांध कहां पर अवस्थित है या पगारा बांध कहां पर स्थित है ये बताना है आपको जल्दी जल्दी। हो गया आंसर, पगारा बांध मुरैना, मुरैना जिले में सरसों की हांडी के नाम से जिसे जाना जाता है, यहां पर पगारा बांध मिलेगा। एक और क्वेश्चन आता है, हाँ आ गया, पलकमती सिंचाई टैंक कहां पर है या कब स्थापित हुआ? तो कहां पर है ये भी बताना है और कब स्थापित हुआ ये भी बताना है। पलकमती सिंचाई टैंक कहां पर है ये भी बताना है और कब स्थापित हुआ। बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे हैं। पलकमती सिंचाई टैंक कहां पर है और कब स्थापित हुआ ये भी आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, करते जाइए। अगले क्वेश्चन में आइए, 66 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है आपको। नहीं आया आंसर अभी, 1940 वाले बाहर ही हैं, बिल्कुल बाहर 1940 वाले, निकेत उपाध्याय राइट, नेक्स्ट सिद्धार्थ बिल्कुल सही, और कोई, पलकमती सिंचाई टैंक बहुत फेमस है यार, पहले ग्वालियर में आता था, सपना बढ़िया, अभी भी ग्वालियर है, पलकमती सिंचाई टैंक ग्वालियर, बिल्कुल सही। हाँ निकेत उपाध्याय आपका ही उत्तर सही है, सपना पाटले आपका सही है, आप ही 2-3 लोगों का उत्तर सही है और कुछ लोगों ने जो सही लगाया उनका। तो 1933 पलकमती सिंचाई टैंक ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1940 to 44, किन बांधों का निर्माण 40 से 44 के मध्य किया गया? कौन से बांधों का निर्माण 40 से 44 के मध्य में किया गया? तेरा बांध का, या ककेतो बांध का, हारसी का, या उपर्युक्त सभी का? किन बांधों का निर्माण 40 से 44 के बीच में किया गया, बताइएगा। तिगरा बांध का किया गया, काकेतो का, हारसी का। अब देखो, अब इसमें समस्या ऐसी है कि जब एक साथ आ ही जाता तो फिर तो वो लगा नहीं पड़ता, ऑल ऑफ दी अबव 68 डी, ठीक है ना। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 69 पे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया है? नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया है। नर्मदा किसके बगल से? जबलपुर से भी निकलती है, अनूपपुर से भी, तो अनूपपुर में तो ना पढ़ा हमने, धार, मंडला सबके बगल से निकलती है, लेकिन आपको बताना है नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना। तो जबलपुर में तो बरगी डैम है, तो आवश्यकता थी नहीं, इसको हटा देते हैं। धार और मंडला बचा, तो मंडला को घेरते हुए कुंडली नुमा संरचना बनाती है, तो इस पे भी बनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो अगर लॉजिकली लगाए ना, तो ऐसा लगा सकते हैं कि जबलपुर में बरगी डैम है तो आवश्यकता थी नहीं उद्वहन सिंचाई परियोजना की, और मंडला जो है उसको घेरते हुए कुंडली नुमा संरचना बनाती है, तो आवश्यकता नहीं है। अब बचा आपके पास अनूपपुर और धार, तो अनूपपुर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? धार हो जाएगा, धार वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जबलपुर मत लगाइएगा, जबलपुर में जरूरत ही नहीं थी। मध्य प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो एमपी के सिंचित क्षेत्रों को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया? मध्य प्रदेश के जो सिंचित क्षेत्र हैं, 4 भाग 5 भाग 3 भाग, कितने भागों में विभाजित किया गया है, है ना। चले आंसर लगाएं। मध्य प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? चलें जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। मध्य प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ एमपी में, आपका सिंचाई वाला, परियोजनाओं वाला, नदियों वाला, डैम वाला। मध्य प्रदेश के अस्तित्व 1956 में आने के बाद 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? 2011 की जो जनगणना है, ये कौन सी जनगणना है मध्य प्रदेश में, बताइए। मध्य प्रदेश की 2011 वाली जनगणना, 56 के बाद से ये कौन सी जनगणना है, बताओ जल्दी जल्दी। देखिये, सबसे पहले 61 हो जाएगी, 71 हो जाएगी, 81 हो जाएगी, 91 हो जाएगी, 2001 हो जाएगी और 2011 हो जाएगी। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, तो कौन सा क्रम हो जाएगा? ये अपना 6वां क्रम हो जाएगा। ये तो ऐसे ही लगा सकते हैं ना, काउंटेड में काउंट करके हम लगा सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान, कौन सी जनगणना? 2011। 11 की सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो बताइए। अब देखो, मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से 11 की जनगणना के अनुसार स्थान पूछ रहा है, तो ये पुराने हिसाब से आंसर लगाना पड़ेगा आपको, जब हम पहले थे, है ना, जब हम पहले थे इस स्थान पे। फिर बाद में क्या हो जाता है, आंध्र से तेलंगाना बन जाता है और तेलंगाना नया राज्य बन जाता है, तो तब हम पहले 6वें नंबर पे थे, फिर आंध्र का विभाजन होता है, तो फिर हम आ जाते हैं वहां पे, क्योंकि आंध्र छोटा हो गया तेलंगाना बना, तो तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान, जब तेलंगाना बन गया तो मध्य प्रदेश का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ये भी बनेगा आपसे, जल्दी बताएं। गलत मत करो यार, इतना सात बात कहां से पढ़ के आ गए, सात बात तो मत लगाया करो, ये कहां से पढ़ के आ गए, चलो इतना गलत नहीं पढ़ना ना, इतना गलत लगाना आप, है ना, करीब रहिए, 5-6 में रहिए, 5-6 में रहिए, यहां लगाइए। 72 का क्या लगा रहे हैं आप? 72 का नहीं होगा डी, अरे बुक में नहीं है भाई, समझ लो पहले इसकी कहानी, समझ लो, बुक बुक में कहीं नहीं दिया है ऐसा, किसी बुक में ऐसा नहीं दिया, सुन लो पहले, 11 सेंसेस अच्छे से देख लेना, है ना, कहीं किसी बुक में ऐसा नहीं दिया, बुक को भी गलती मार देते हो, आपकी बुक की गलती है, नहीं है कोई गलती, बुक में सही दिया है, अच्छे से पढ़ना है। 2011 सेंसेस या 2011 जनगणना के अनुसार सुन लो, 2011 जनगणना के अनुसार कोई बुक में ऐसा गलत नहीं दिया है, और अगर गलती से दिया है, अगर दिया भी है तो, बाकी नहीं दिया है, सुनो। 2011 की जनगणना के अनुसार हुआ क्या था कि मध्य प्रदेश जो था अपना, कौन सा, एमपी, कौन से नंबर पे था? 6वें नंबर पे था। क्यों? क्योंकि 5वें नंबर पे कौन सा था आपका? आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। बाद में 14 में क्या होता है, 2014 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश से क्या बन जाता है आपका? आंध्र प्रदेश, इसको हटाओ, आंध्र प्रदेश से क्या बना आपका? तेलंगाना बना।
तेलंगाना बना, है ना। अब तेलंगाना जब बन जाएगा तो भैया आंध्र प्रदेश छोटा हो जाएगा, जनसंख्या कम हो जाएगी, तो आंध्र प्रदेश अपने स्थान से हटेगा, तो हम पहुंच जाएंगे कहां पे, पांचवे नंबर पे। तो जब हम पांचवे पे पहुंचेंगे तो 11 सेंसस के अनुसार आज भी 11 सेंसस के अनुसार छठवे पे आएंगे, लेकिन नॉर्मली जो सही आंसर पूछा जाए वहां पर हम पांचवे पे आएंगे, ठीक है ना। चलो ऐसे मत लगाया करो भाई गलत गलत आंसर है, ऐसा नहीं लगाते हैं गलत आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73 74 नंबर क्वेश्चन पे आए। 74 क्या है, जनसंख्या का विषय, पॉपुलेशन ब्लैंक सब्जेक्ट टू, संघ सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट है, बोथ है या नन ऑफ द अबव है। जो आपका पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, बोथ है या कि फिर नन ऑफ द अबव, बोलो भाई क्या आंसर होगा। पुनीत तिवारी, शहनाम, क्या बात है। हाँ जी देखें, इसका यूनियन लिस्ट का है ये सब्जेक्ट आपका, किसका है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। 74 कंप्लीट हुआ, 75 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1872 में किसके शासनकाल में भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो 1872 में किसके शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी, किसके शासनकाल में, डलहौजी, रिपन, मेयो या लॉर्ड क्लाइव, किसके शासनकाल में 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो ये सभी को पता है आप लोगों को, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। यहीं पर आज हमारे सारे प्रश्नों की श्रृंखला को हम समाप्त करते हैं। हमने 75 क्वेश्चंस आज की क्लास में करें, 75 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और आपको हमारी डेली यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है मॉर्निंग 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, उनका शेड्यूल बता देता हूँ। सुबह में 11 बजे से कंप्यूटर के प्रदीप सर की क्लास होती है 12 बजे तक, 12 बजे से सोम सर की मैथ्स की क्लास होती है 1 बजे तक, और 1 बजे से अगली क्लास होती है पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, मेरी क्लास होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास होती है आपकी 2 बजे से 3 बजे तक एमपीजीके की क्लास होती है, फैक्चुअल थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों चलता है इसमें, ठीक है। और 3 बजे से अपना रीजनिंग का सेशन होता है कुंद्रा सर का 4 बजे तक, और 4 बजे से अगली जो क्लास होती है वो होती है इंग्लिश की क्लास, किसकी, अर्जुन सर की क्लास। तो इस प्रकार से डेली यहाँ पे यूट्यूब में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। जो लोग पहली बार चैनल में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें फॉलो करिएगा ताकि आगामी क्लासेस के लिंक आपको मिलती रहे, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।